हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A15 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसका ऑफिशियल टीज़र अमेज़ॉन पर लिस्टेड हो चुका है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा और किस प्राइस सेगमेंट में आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, अगर हम बात करें लास्ट ईयर ओप्पो के स्मार्टफोन की, तो वो था ओप्पो A53 2020, जो कि अगस्त में लॉन्च किया गया था। और गाइस, अभी रिसेंटली ओप्पो A93 भी मलेशिया में लॉन्च किया जाने वाला है। सो गाइस, इसी को लेकर यहाँ पर ओप्पो A15 भी बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचज़ की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, बात करें इसके डिज़ाइन को लेकर, तो यहाँ पर आपको जो इसका डिज़ाइन है वो आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा बैक साइड में ओप्पो F17 के जैसा ही, क्योंकि गाइज ये स्मार्टफोन ओप्पो F17 और F17 Pro का लाइटर वेरिएंट होने वाला है। इसी के साथ इसमें आपको जो बैक साइड में कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा वो ट्रिपल कैमरा सेटअप रहने वाला है, जो कि स्क्वायरी बॉक्स की कटआउट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का। इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल या फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात के फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें आपको मीडियाटेक का कोई पी सीरीज या फिर जी सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाइज ओप्पो यहाँ पर अपने सभी मिड रेंज या फिर बजट रेंज स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक का ही प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। इसके साथ 4 GB एंड 6 GB का रैम वेरियंट, जिसमें आपको 64 या फिर 128 GB की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है, जो कि 10 वॉट के नॉर्मल चार्जर के साथ देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स को लेकर, तो यहाँ पर आपको बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें USB Type-C पोर्ट एंड 3.5 mm हेडफोन जैक और Android 10 के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, ओप्पो A15 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कलर OS 7.2 का देखने को मिलने वाला है। सो गाइज, जो इसकी प्राइसिंग है वो काफ़ी कम रहने वाली है, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको 10 से लेकर 12,000 तक देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट को लेकर, तो ये आपको स्मार्टफोन अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाता है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।